आम आदमी पार्टी ने अब तक का सबसे गंभीर और सनसनीखेज आरोप पीएमओ पर लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएमओ पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आज 20 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पीएमओ की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि कई बार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है, अब उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हमले की धमकी दी जा रही है। इसका पूरा संचालन भाजपा और पीएमओ की ओर से किया जा रहा है। मोदी जी नफरत की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप जानते हैं, हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक जेल के अंदर इंसुलिन ना देना, वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था। शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और ये देखिए आप, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन की फोटो है। ये अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की फोटो है, उसके द्वारा लिखी गई धमकी है। और अगर ये अंकित गोयल, ये जो इसने धमकी लिखी है, इसकी भाषा को आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस अंकित गोयल की भाषा वही भाषा है, इसकी धमकी वही धमकी है जो बीजेपी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी रोज बोलती है। ये देखिए, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर ये खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने की खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे अब 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुलेआम हमला करने की, मारने की धमकी दी जा रही है। और कहीं कुछ नहीं, सब सन्नाटा। तो इसलिए इस संबंध में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की तरफ से चुनाव आयोग को हम पत्र भी लिख रहे हैं। और कुछ भी अगर केजरीवाल को खरोंच भी आती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पीएमओ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। ये हम पहले से ही आगाह कर दे रहे हैं आपको। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा पूर्व में अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास कर चुकी है। जेल में उन्हें इंसुलिन तक नहीं दिया जा रहा था, उनकी जान लेने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस षड्यंत्र को समझा और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लिखकर अरविंद केजरीवाल पर हमले की धमकी दी जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।